विपश्यना ध्यान साधना में होता क्या है? कैसा है कि विपश्यना ध्यान साधना आने के लिए आदमी क्यों तैयार हो जाता है? क्या बात है कि उसे साधना में जाना मन होता है? एक बात है कि कोई कुछ व्याधियों से ग्रस्त होगा तो उसे भी सुझाव देते हैं लोग जिन्हें जो विपश्यना करके आए हैं, जिन्हें विपश्यना के बारे में जानकारी है, वे उसे ये देते सलाह देते हैं। जैसे किसी को अर्धांग वायु है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की शिकायत है, या किसी को माइग्रेन है, या किसी को और कोई किसी प्रकार की मनोकायिक जिसे कहें हम कोई व्याधि है, तो उसे भी लोग सलाह देते हैं कि आप विपश्यना के लिए जाइए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पाली भाषा सीखने के लिए या पाली भाषा में प्रगति करने के लिए एकेडमिक हिसाब से या सिविल सर्विसेज की तैयारी के हिसाब से वह भी आकर विपश्यना के, उन्हें भी पता लगता है कि पाली अगर आपको अच्छी तरह से समझना है तो विपश्यना शिविर किया तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, तो वो भी आते हैं। इस प्रकार नाना भांति के लोग नाना कारणों से उस विपश्यना शिविर की ओर खींचे चले आते हैं। जैसा देखे ना, बचपन से हिंदू संस्कृति में या यूँ कहूँ भारत में हम जब देखते हैं कैलेंडर, वहाँ पर शिव, भोले बाबा, महादेव कैसे जंगल में व्रतस्थ बैठे हुए होते हैं, कभी पद्मासन में, कभी सुखासन में, और चंद्र की शीतलता माथे पर होती है, आँखें अधमुंदी या जिसे कहें आँखें बंद, और ऊपर से गंगा का झरझर झरझर बहता हुआ पवित्र जल। ऐसे भोले बाबा किसे नहीं प्रिय लगेंगे, किसे नहीं लगेगा कि हमें भोले बाबा के जैसा समाधि में जाना आना चाहिए। शंकर सहज रूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा कहते ना वैसा। तो ये आकर्षण पहले से ही था कि भोले बाबा के जैसा समाधि लगाना आना चाहिए, या यूं कहें तो भगवान बुद्ध का भी बहुत जगह शिल्प मूर्ति या जब भी कोई चित्र देखते थे तो भगवान बुद्ध भी बड़े शांत निस्तब्ध एक गहरी समाधि में खोए से दिखते थे पद्मासन में। वैसे ही कभी कभी स्वामी विवेकानंद भी बताए जाते थे कैसे समाधि में लिपता है। तो जब कभी लगता था कि यार ऐसी समाधि कैसे प्राप्त की जाए, प्राणायाम तो करने की बात है, ये समाधि में तो कुछ किया नहीं जाता, क्योंकि अनंत काल तक जब आपको ऐसा बैठा रहना है शांति में बिल्कुल सहज अवस्था में, तो उसके लिए तो शरीर भी शांत और बिल्कुल निस्तब्ध होना चाहिए, वैसे ही मन का भी कोई हलन चलन नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे प्राप्त करें? नाम जप, मंत्र जप, इसमें भी क्रिया है, हाँ मुँह चलेगा, दिमाग से कम मंत्र जप चलेगा, ये भी सहज तो अवस्था नहीं है। ऐसा ढूंढते फिर पता लगा विपश्यना एक साधना है जिसमें ऐसा मौन रहना है, 4 बजे उठना है, दिन भर साधना है। तो मित्रों बड़ी कमाल की बात है ना, जिंदगी भर में उम्र के 43 इयर्स तक ये सोचता रहा कि मैं रोज़ 4 बजे उठ जाऊँगा ना, और ऐसे 4 बजे उठता भी था, 3:30 बजे भी उठता था, 3 बजे भी उठता था, लेकिन जो अक्रिय अवस्था या जो साधना है उसमें नहीं जाता था, एक्सरसाइज में लग जाता था, प्राणायाम में लग जाता था, योगासन में लग जाता था। उसके बाद 6:30 6:30 बजे अपने फिर नित्य कर्म में स्नान आदि और बाकी की चीज़ों में लग जाता था, लेकिन समाधि में जाने की बात ये मैं जगह जगह पे ट्राई किया लेकिन नहीं हो सकी। पर इन सेंटरों की खासियत यह है, या ये सेंटर ऐसी जगह पर बने हैं जहाँ पर सहज समाधि सहज ही, जिसे हम बाहर इम्पॉसिबल समझते हैं, इन जगहों का कुछ ऐसे तरंगे हैं, कुछ ऐसा आकर्षण है इनमें कि मनुष्य निश्चित रूप से साधना में लीन हो जाता है, उस पर साधना बरसने लगती है। दूसरी बात, दूसरे साधक भी होते हैं ना जो आगे के शिविर किए हुए होते हैं या ज़्यादा शिविर किए हुए होते हैं, वो भी पर बार बार आते हैं, साल में एक बार तो आते हैं, तो उनकी तरंगे भी शायद, या एक यूं कहें कि कलेक्टिव ग्रुप तरंगे जिसे कहते हैं हम, एकत्र आने से कैसा व्यक्ति साधना में जा सकता है ज्यादा, यह एक बात वहीं जाके हम समझ सकते हैं कि सामूहिक
जो क्रिया है उसका कितना बड़ा फल है। कैसा भी व्यक्ति रहे वो साधना में बैठ जाता है, इतने दिन भर साधना करता है, मौन रहता है, एक कमाल की बात है। तो उस विपश्यना में होता क्या है, मन और शरीर को एकत्र लाने का प्रयास किया जाता है। जो कि मन और शरीर भटक रहे हैं अनंत जन्मों से, हमारा शरीर एक जगह है, हम कुछ विचार कर रहे हैं। जैसा मैंने मेरे ये इस योग पर की जो मैं योगश्चित्तवृत्ति निरोधा में बोला हूँ, वैसा ही ये मन भटक रहा है, शरीर एक जगह है, तो दोनों में कोई तालमेल नहीं है। ये तालमेल बैठाने का नाम ही विपश्यना है। विपश्यना में क्या होता, हम धीरे 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 जो मन बाहर बाहर भटक रहा है, दूर दूर तक भाग रहा है, किधर किधर भाग रहा है, थक जा रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ कुछ पता नहीं लगता। अभी हम सोचेंगे कि मेरा मन बहुत सोचता है, ये कब सोचेंगे, जब कभी तो भी आप थोड़ी देर के लिए भी एकांत में बैठेंगे जब पता लगेगा कि माइंड कितना सोच रहा है। कभी प्रवास में जाने के लिए, जब कभी आप प्रवास में जा रहे हैं और कोई बात करने को ही नहीं है और आप चाह रहे हैं कि बस अपने में खो जाए, जब पता लगता है कि माइंड कितना काम कर रहा है। मगर इससे भी ज़्यादा पता आपको जब लगेगा, जब आप विपश्यना में ध्यान के लिए बैठेंगे ना, मौन में जब आपके साथ होंगे तो आपको पता लगेगा कि माइंड हमारा कैसा कैसा कितना विचार कर रहा है। हाउ चैटरिंग माइंड, कितना नॉटी माइंड है, क्या क्या सोचता है, कुछ गई हुई बातें, कभी वापस न आने वाली बातें, हर चीज़ के बारे में सोचता है। वैसे मित्रों क्या हुआ था, भगवान बुद्ध को जब बौद्धत्व प्राप्त हुआ, वो जब पहले बोधिसत्व थे, बौद्धत्व उनको बोधि वृक्ष के नीचे और बोधगया में प्राप्त हुआ ऐसा, और वैशाखी पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। रात को ध्यान साधना करने को निश्चय के साथ बैठ गए। तो पहले पहले उनको क्या हुआ, गत जन्मों की यादें पहले पहले उनको आई, उनको गत जन्म पूर्व जन्म पूरे दिखे। अब पूर्व जन्म है क्या नहीं है, इस बारे में मैं और भी कभी बताऊंगा आपको, निश्चित रूप से मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको, वैज्ञानिक वगैरह नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व जन्म होता है। तो भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्मों को देखा और फिर उसकी जातक कथाएँ बनी कि भाई मैं इस जन्म में ऐसा ऐसा व्यक्ति था, और उस जन्म में उन्होंने उस व्यक्ति रहते हुए परोपकारिता का बहुत उच्च दर्जा का काम किया, कोई न कोई अपना विकार छोड़ने का काम किया। इस प्रकार वो बढ़ते 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 वो बोधिसत्व से उस दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए, या साक्षात्कार उनको हो गया। तो उस दिनों में उनको पूरे पूर्व जन्म दिख गए। पर अभी हमें पूर्व जन्म नहीं दिख सकते, अभी हमें तो याद कीजिए आपकी छोटी सी छोटी बातें, पूर्व की घटना घटी हुई जो कभी आपको याद नहीं आई, कभी आपने उस बारे में सोचा नहीं, वहाँ विस्मयकारी रीति से आपको याद आएगी। वैसे ही जैसे शरीर में कहाँ क्या हो रहा है इसका भी आपने कभी भी समझा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, वो आपको भाव, वो शरीर में क्या चल रहा है उसका अनुभव आपको होने लगेगा। शरीर और मन की हलचल आपको समझने लगेगी, यही विपश्यना का काम है। अब देखो मित्रों कैसा होता है, अब हम बार बार सेवा में भी जाते हैं, शिविर भी करते हैं, अब कई लोग ऐसे होते हैं, मगर मैंने कभी किसी को बाह्य रूप से, यानी कि अंतर्गत उसके जो भी स्टॉर्म चल रहे हैं, जो भी उसके बहुत बड़े झंझावात चल रहे हैं, या जो भी वादल जिसको कहते हैं, या जो तूफान चल रहे हैं, तो वो अंदर चलते हैं, बाहर शरीर से कोई साधक आपको नहीं दिखेगा कि वो शरीर के से बाह्य कोई हाव भाव कर रहा है। बहुत कम बार ऐसा होता है छोटे सेंटरों पे कि साधक बाह्य शरीर से भी करने लग जाए, तो फिर उसे हम शरीर से तो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बाकी साधक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, साधक बैठता है एकदम सवेरे का समय 4:30 बजे का, और एकदम बहुत ठंड है, लेकिन धर्मशाला जैसी जगह पर भी बहुत ठंड है, लेकिन साधक बैठा है, धीरे 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 गर्म शरीर होते जाता है और पसीना 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 होते जाता है साधक, और पूरे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लग जाती है। कई साधक तो ऐसे हैं कभी भी ध्यान के लिए बैठे उनके पसीना बहना शुरू हो जाता है, कई साधक ऐसे हैं कहीं भी कितनी भी गर्मी में ध्यान बैठो शरीर ठंडा 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 लगने लग जाता है। देखिए एक विचित्र विचित्र बातें हमें हमारे शरीर और मन के बारे में ध्यान में आती है। मन कितना निगेटिव सोचता है, अब तो मैं कुछ सोचूं ना सोचूं, नहीं सोचूं नहीं सोचूं, वहाँ पर लिखा हुआ होता है डू नॉट टच
ग्लास टू द लिप्स, पानी पीने के ग्लास के लिए जगह पे, वो जगह जगह पे कुछ लिखा हुआ भी है, वो भी पढ़ना बोले तो मैं, मेरा सर फट जाएगा ऐसा, कितना सोच रहा हूँ मैं, कितना वो पढ़ना भी मुझे सर फट जाएगा ऐसा लगता, कितना सोच रहा हूँ, बस मन रुकता ही नहीं है। ये बात समझ में आती है कब? हम साधना में, एकांत में, विपश्यना में बैठेंगे तब समझ में आती है, बाकी समय तो क्या समझ में आएगा बताइए। तो और कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ साधकों का सर में खूब दर्द होने लग जाता है, कभी नहीं हुआ, पहले होता होगा लेकिन कभी नहीं हुआ, वहाँ पर बहुत सर दर्द होने लग जाता है, फिर धीरे 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 कम होने लगता है, फिर किसी की पीठ दुखने लगती है, किसी के कमर दुखने लगती है, किसी के पैर दुखने लगते हैं, किसी को बहुत सर्दी हो जाती है, वो सर्दी से नाक बहने लग जाता है, रुकती ही नहीं, रुकती ही नहीं, कोई दवा नहीं देते, कुछ नहीं, ऑटोमेटिक धीरे 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 आपके ये विकार निकलते जाते हैं। मित्रों क्या होता है कि हमारा ब्रेन तक क्यों छोटा हो जाता है, क्यों वो ब्रेन हमारा सूख जाता है, क्यों अल्जाइमर होता है, क्यों? कि अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ जो है हमारी प्रेम की, दया की, करुणा की, ये हम रुक्ष कर देते हैं बार बार क्रोध में आके, बार बार निगेटिविटी से, सारे शरीर में स्त्रावी ग्रंथियों से भी अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ बहुत प्रबल होती है, वो भी मस्तिष्क की अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ अगर नहीं द्रवित हुई, नहीं फ्लो हुआ उनका, तो क्या होगा, अल्जाइमर जैसा होगा, या ब्रेन सूखने लग जाएगा, या ब्रेन सिकुड़ने लग जाएगा, इस प्रकार की बीमारियों से दूर रहना है। तो ये नैसर्गिक सांस देखने की साधना और पूरे शरीर को देखने की विपश्यना साधना बहुत कारगर है। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जकड़े हुए आते हैं, जैसे उनको कोई वो रोग बोलते हैं ना, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, कि पूरे शरीर में, जिसे सांधेवाद कहते हैं, इससे पूरा शरीर सिकुड़ने लग जाता है, वहाँ शरीर भी उनका धीरे धीरे खुलने लग जाता है। सिकुड़ना क्या होता है, हम भावनाएं सिकोड़ लेते हैं, हमारे मन को सिकोड़ लेते हैं। कई लोगों की थायराइड ग्रंथि बन जाती है, वह भी चली जाती है धीरे धीरे, साधना करते करते अनेक व्याधियां, अनेक रोग निकल जाते हैं। मित्रों तो ये बातें हुई थोड़ी विपश्यना के बाद।